20 अमीरों की लिस्ट से गौतम अडानी हुए बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से अब तक दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है उसको बड़ा झटका लगा। जहां कुछ समय पहले तक वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज थे, अब वे टॉप 20 में भी नहीं है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद इसमें गौतम अडानी पर अकाउंटिंग फ्रॉड और शेयर मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से अब गौतम अडानी की जो दौलत है वो 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा गिर चुकी है। अभी गौतम अडानी फोर्ब्स की दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गिरते गिरते 22वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। इस हफ्ते आखिरी कारोबारी दिन उन्हें करीब 18 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अब उनकी दौलत 56.4 अरब डॉलर हो गई है। ब्लूमबर्ग की बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी टॉप 20 अमीरों की जो लिस्ट है उससे बाहर होकर फिलहाल 22वें नंबर पर पहुंच गए। गौतम अडानी को एक ही दिन में करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी ओर फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग की संपत्ति में 12.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का अडानी ग्रुप के शेयरों का हाल। आज सुबह 10:40 पर गौतम अडानी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 35% गिरकर 1,017 रुपए के लेवल पर पहुंच गए। अडानी ग्रुप में 10% की गिरावट है और वह 936 रुपए के करीब है। अडानी पोर्ट्स में करीब 13% की गिरावट और शेयर लगभग 403 रुपए पर है। अडानी पावर के शेयर 5% टूटकर 192 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 10% टूटे हैं और नई कीमत 1401 रुपए हो गई है। अडानी पोर्ट को डाला बैन लिस्ट में। अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अडानी पोर्ट को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 3 फरवरी के लिए अपनी FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन की लिस्ट में डाल दिया है। अडानी ग्रुप के शेयर की कीमत में पिछले कुछ हफ्तों में भारी गिरावट आई और इसका दाम 50% तक गिर गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं।